कारखाना मालिक एवं उसके कारीगरों पर लगा बुजुर्ग दंपति पर तलवार से हमला करने का आरोप। मक्का नगर गली नंबर 3 में रहने वाले बुजुर्ग दंपति मोहम्मद रमजान एवं शहीदा ने आरोप लगाया है कि उनके घर के बाजू में फर्नीचर का कारखाना चल रहा है, जिसमें अवैध गतिविधि, नशा करने वाले का जमावड़ा और शोर शराबा होते रहता है, जिससे हमें कॉलोनी वासियों को यहां रहने में बहुत दिक्कतें होती हैं। बुधवार को हमने कारखाना मालिक जावेद को अपना विरोध जताया तो जावेद एवं कारीगरों ने हम पर तलवार एवं डंडों से हमला कर दिया। इसकी शिकायत हमने हनुमान ताल थाने में की। वहीं थाना प्रभारी उमेश गुलानी ने बताया कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रहे हैं। गली नंबर 3 में रहते हैं हम, मक्का नगर की। जावेद का कारखाना हमारे घर के बाजू में है। उधर उधम करते हैं बच्चे, उनके जो कारखाने में काम करते हैं। हम जावेद से शिकायत लगाने गए तो जो अच्छी रात भर सोने नहीं देते, हम लोग को परेशान करते हैं। जावेद बोला क्या कर रहे हैं, हम लोग को उधम करते हैं, उनको मना करो जरा। जावेद बोला अच्छे करते हैं, तुम हमारे बंद करते हैं अपना कारखाना। उसका भाई आया और भाई बोला तुम हमें जाकर शिकायत लगाती। आया हमारे बाल पकड़ मारने लगा, इधर पर एक लकड़ी मार दिया हमको, लकड़ी उठा कर बत्ता उठा के मारा है। इतने में हमारा आदमी नहीं रहे घर में रहे, वो आवाज़ सुने हम जब चिल्लाए तो हमारा आदमी आ गया। उन्होंने कहा कहाँ हुआ कहाँ हुआ। दूसरा भाई कदीर आया तो हाथ में तो जो भी लिया रहा औजार, वो आया हमारे आदमी के हाथ में मार दिया। हमारे आदमी तो बहू बहू निकली, जब उनको खून देखी तो पूरों को रगड़ रगड़ के हमारे घर में मारने लगा। जावेद का भाई जावेद और उसके लड़के। फिर हम कारखाना कहे का है, कारखाना फर्नीचर का है। कब से लोग कर रहे कारखाना? कब से, 4-5 महीने से आज काम कर रहे हैं। 4-5 महीने से आज हम कर रहे हैं कारखाने में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहीदा है। ये कहाँ रहते हैं आप? मक्का नगर गली नंबर 3 में, थर्ड प्राइमरी स्कूल के बाद। तो क्या हुआ आपके साथ? यहाँ कारखाना खुला है तो पूरी रात इन लोग काम करते हैं, खीला चौकी करो और हम लोग मना करते हैं तो मारपीट करते हैं। आज सुबह जब गए मना करने, इन्होंने सब लड़के जितने रहे सब गाली लगने लगे। कौन रहा उसमें? जावेद रहा, उसका भाई रहा, तीनों भाई रहे। तो कारखाना कौन चलाता है? कारखाना जावेद चलाता है, बाहर के लड़के आए हैं काम करने। तो क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने काम नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, जो करना हो कर लो। तो बच्चों के साथ भी मारपीट करते हैं, ऐसे दिन भर गाली बकते हैं। तो फिर हम लोग ने मना किए तो उन्होंने बत्ता मार दिए, निकाल लाए औजार, निकाल लाए मारने के लिए। हमारे उंगली में मार दिए, हमारी बीवी को मार दिए। अच्छा, तो आपने बच्चों को मार दिया हमारे? तो आपने रिपोर्ट लिखाई? हाँ, रिपोर्ट लिखाई हनुमान ताल थाने। क्या नाम है आपका? रमजान। पूरा नाम? मोहम्मद रमजान। मक्का नगर गली नंबर 3 में एक मारपीट का प्रकरण पंजीकृत हुआ है। इसमें जो फरियादी है रमजान, यह आके बताया कि यह मक्का नगर गली नंबर 3 में रहता है और इसके बगल में एक फर्नीचर बनाने का कारखाना चल रहा है, जिससे पूरे दिन रात खटपट खटपट आवाज़ आती है और इसके दीवार से ही लगे कीलर ठोकने वगैरह की भी आवाज़ आती है। उन्होंने उसको बताया कि भाई यह रहवासी इलाका है, अगर आपको हल्ला करना है तो आप कारखाने को छुट्टी कीजिए। इसी बात पे से बहस हुई और जो कारखाना का जो मालिक है जो है उसने जो है उनके साथ मारपीट कर दी है, जिस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है और इसमें घोषणा कर रहे हैं। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंक रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।